नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। नहीं रहे पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह। चंडीगढ़ स्थित पंजाब एमएलए हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी कार में गोली चलने से कांस्टेबल की मौत, हादसा या सुसाइड, पुलिस मामले की जांच में। चंडीगढ़ प्रशासन ने अनलॉक 3 के पहले ही दिन सुरक्षा को लेकर सुखना लेक पर लगाई पाबंदी, बैरिकेड लगाकर रास्ते किए बंद। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 13 और लोगों की मौत, 3 दिन में 62 लोगों की जान जा चुकी है। पुंछ में हिमाचल का जवान शहीद, 2 महीने बाद होनी थी शादी, कुछ देर में पहुंचेगा पार्थिव शरीर। सुशांत मामले में सीएम नीतीश का बड़ा बयान, परिवार चाहे तो हो सकती है सीबीआई जांच। रूस में अक्टूबर से बड़े पैमाने पर चल रही है टीकाकरण की तैयारी। चीन ने फिर दिखाई धूर्तता, भारत के लिपुलेख दर्रे पर तैनात की सेना। फरीदाबाद में रोकने के बावजूद मदरसे में चल रही थी 30 से 40 बच्चों की क्लास, शिक्षक गिरफ्तार। हरियाणा के बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने आम आदमी के नेता को 1 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। अब खबरें विस्तार से। शनिवार अल सुबह पार्किंग में खड़ी कार में पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल का शव मिला है। उसके सिर में गोली लगी थी और पास में ही सर्विस पिस्तल भी रखी हुई थी। 23 वर्षीय मृतक का नाम सरमजीत था और वह हाईकोर्ट की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात था। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर सुशांत के पिता सीबीआई जांच को कहते हैं तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह का निधन हो गया है। पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका दुबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। पंजाब के तरन तारण और अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 13 और लोगों की शनिवार को मौत हो गई है। इससे पहले वीरवार को, शुक्रवार को 49 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह पंजाब के 3 जिलों में अवैध शराब पीने से मरने वालों की संख्या 62 हो गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।